2024 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जातीय जनगणना की लहर पर सवार हैं, लेकिन भाजपा ने अब अखिलेश के इस दांव की काट खोज ली है। अखिलेश के सवाल का जवाब देने के लिए भाजपा ओबीसी मोर्चा ने कमर कस ली है और निकाय चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी है। 6 अप्रैल से भाजपा इस अभियान की शुरुआत करेगी। 14 अप्रैल तक गांव-गांव चलो घर घर चलो नाम का अभियान चलेगा। इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे, जबकि सांसद और विधायकों से 5 से 10 गांव जाने के लिए कहा गया है। 19 मार्च को कानपुर में ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सम्पन्न कराएगा, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों माननीय डिप्टी सीएम, प्रदेशाध्यक्ष महामती सेंटर आदरणीय धर्मपाल जी सहित देश और प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं का मार्गदर्शन ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। संगठन का कार्य करना भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है। भाजपा जब ये अभियान चलाएगी तो सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा, साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीधे जनता से संवाद होगा और सपा के खिलाफ माहौल तैयार किया जाएगा। ओबीसी वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री नरेंद्र कश्यप भी 10 गांव में जाने वाले हैं। ओबीसी मोर्चे ने ये तय कर लिया है कि हम 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच ओबीसी मोर्चे का प्रदेश प्रत्येक पदाधिकारी, प्रदेश का, क्षेत्र का, जिले का, मंडल का 5 से 10 गांवों में घर घर चलो गांव गांव चलो एक बड़े अभियान को हम लेकर जाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम गांव गांव घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, देश और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का ज्ञान पिछड़े वर्ग के लोगों को कराएंगे। गांव में चौपाल सजेगी, घर घर जाकर मोदी योगी सरकार की खूबियां गिनाई जाएंगी। लेकिन भाजपा के इस अभियान से सपा ने हार नहीं मानी है। सपा का दावा है कि घर घर से भाजपा नेताओं को चुभने वाला जवाब मिलेगा। बीजेपी के नेताओं के मुंह खोलने का नीचे बहुत खराब असर जाएगा, क्योंकि जो अन्याय पिछड़े वर्गों के साथ, आरक्षित वर्ग के साथ बीजेपी कर रही है, वो पूरी तरीके से नीचे फ्लॉप हो जाएंगे। इनको वहाँ मुंह की खानी पड़ेगी। 80 सीटें यूपी में हैं लोकसभा की, 40 सीटें बिहार में, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव से माना जाए 120 सीटें जो है उस पर समाजवादी पार्टी तैयारी करी, केवल 80 पर नहीं। समाजवादी पार्टी का, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। माना जाता है कि यूपी में 50% से ज्यादा इसी वर्ग के वोटर हैं। यही वजह है कि कोई भी दल इस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहता और भाजपा की यही सोच रही है कि जिस जातीय जनगणना का मुद्दा सपा उठा रही है उसके असरदार होने से पहले ही उसे तोड़ दिया जाए। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।